असल क्लास हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर फाइन इंशाला ओपन योर साइंस टेक्सट बुक्स पेज नंबर एटीन टुडे वी हैव टू रीड टॉपिक ऑर्गन्स यानी कि यूनियन ऑफ़ टिशूस पहले अब आप लोग देखेंगे सेल्स हमने पढ़े हैं सेल्स मिल के बनते हैं टिशूज़ और उसके बाद हमने टिशूज़ के बारे में पढ़ा था अब जो है यूनियन ऑफ़ टिशूज़ यानी कि जब टिशूज़ मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं ऑर्गन्स अब हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे सेल जॉइन टू मेक टिश्यूज यानी कि सेल्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज इन अ सिमिलर वे टिश्यूज आल्सो ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन उन्होंने कहा है कि टिश्यूज जो हैं वो जॉइन करते हैं तो ऑर्गन बन जाता है Plants and animals both have organs that perform various functions. Plants and animals both have organs hein, different perform different perform functions. First of all, we organs in plants. organs found in plants are roots, stems, leaves, and flowers. Ka, organs jo hai, jo plants are roots, stems, leaves, and flowers. They are discussed below. Now, we will discuss karenge. First is roots. The underground organ of a plant दैट एंकर्स इट इन द ग्राउंड इस कॉल अ रूट उन्होंने कहा है कि अंडरग्राउंड ऑर्गन होता है प्लांट का जो कि जो ज़मीन के अंदर जो है वो होता है वो उसको हम रूट्स कहते हैं रूट्स है अ लार्ज सर्फेस एरिया टू कलेक्ट वाटर एंड न्यूट्रंट फॉर प्लांट उन्होंने कहा है रूट्स के पास बहुत ज़्यादा एरिया होता है ताकि ये कलेक्ट कर सके न्यूट्रेंस और न्यूट्रंस और वाटर प्लांट के लिए सेकेंड इज स्टेम्प अ लॉन्ग स्टॉक लाइक ऑर्गन ऑफ अ प्लाट विच कीप इट्सट्रेट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिय टू आल पार्ट ऑफ द प्लांट इसका स्टैम उन्होंने कहा एक लॉन्ग स्टॉक लाइक ऑर्गन होता है यानी कि एक लंबी सी डंडी सी होती है और वह क्या करता है प्लान्ट को जो है वो स्ट्रेट रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रियस को सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में हम उसको कहते हैं स्टेम नेक्स्ट इज़ लीवस अ ग्रीन कलर्ड प्लांट ऑर्गन विच प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लान इसका लीव उन्होंने कहा कि ग्रीन कलर होता है ऑर्गन का जो कि सारे जो है प्लांट के लिए प्रिपेयर करता है फूड हम उसको लीव कहते हैं लीव्स आर मेनली इन्वॉल्व इन मेकिंग फूड लीव्स जो हैं वो ज़्यादातर फूड फूड मेकिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं लीवस कंजिस्ट ऑफ फोटोसेंथेटिक एपिथीलियम एंड वेस्कुलर टिश्यूज उन्होंने कहा लीवस में तीन तरह के टिश्यूज़ होते हैं फोटोसेंथेटिक एपीथीलीम एंड वेस्कुलर टिश्यूज़ आप लोगों को इनके ने नेम्स आने चाहिए नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर अ ब्यूटीफुल ब्यूटिफुली कलर्ड ऑर्गन विच मेक एक सीड्स सीड्स द सीड्स फॉर द प्लांट इसका फ्लावर उन्होंने कहा है कि कलरफुल जो प्लांट का ऑर्गन होता है जो कि एक प्लांट के लिए सीड्स को बनाते हैं हम उसको फ्लावर कहते हैं द सीड्स ग्रोज एंड डिवेलप इंटू अ होल न्यू प्लांट उन्होंने कहा है सीड जो है वो बड़ा होता है और वो फ्लावर बन जाता है और वो नया प्लांट बन जाता है सीड जब बड़ा होता है तो वो एक न्यू प्लांट बन जाता है नेक्स्ट इज़ ऑर्गन्स इन एनिमल्स अब हमने ऑर्गन्स इन प्लांट्स पढ़ लिया कि प्लांट्स के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं अब हम ऑर्गन्स इन एनिमल्स पढ़ते हैं द ब्रेन लंग्स हार्ट स्टमक लिवर किडनीज बोन्स एक्सेट्रा आर द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी सम ऑफ दीज गिवन बिलो उन्होंने कहा है कि ये सारे जो हैं ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन है लंग्स हैं हार्ट स्टमक लिवर किडनी ये सारे जो हैं एनिमल्स में ऑर्गन्स हैं अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे द ब्रेन द ब्रेन रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी उन्होंने कहा ब्रेन जो है वो सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है नेक्स्ट इज द हार्ट द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी उन्होंने कहा हार्ट जो है वो सारी बॉडी में ब्लड को पम्प करता है नेक्स्ट इज लंग्स लंग्स कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सप्लाई टू ब्लड उन्होंने कहा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को हवा में से कर, गैदर कर लेते हैं और वो ब्लड को सप्लाई करते हैं स्टमक द स्टमक डाइजेस्ट द फूड एट एन एनिमल ईड स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करता है जो भी एनिमल्स खाते पीते हैं वो स्टमक जो है वो डाइजेस्ट करता है लिवर द लिवर प्लेज अ रोल इन स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टिड फूड लिवर जो है जब स्टमक डाइजेशन कर लेता है तो लिवर जो है वो उस जो डाइजेशन हुई होती है उसको स्टोरेज का काम करता है नेक्स्ट इज़ किडनीज किडनीज सेपरेट द वेस्ट फ्रॉम ब्लड एज यूरिन जब हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनीज सेपरेट कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ब्लड से यूरिन के फॉर्म में जो है वो किडनीज को किडनीज़ जो हैं वो वेस्ट मटीरियल को सेपरेट कर देती हैं ये थे हमारे ऑर्गन इन एनिमल्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट uh, लेक्चर में तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज